नमस्कार दोस्तों, आनंदी स्टडी स्ट्रगल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में मुगल काल की इमारतों से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ताजमहल को किस देश के कारीगरों की सहायता से बनवाया गया था? ऑप्शन ए फारस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूनान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो ताजमहल फारस के कारीगरों की सहायता से बनवाया गया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पत्थर पर जमा हुआ आंसू किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राजघाट, ऑप्शन बी शहीद स्मारक, ऑप्शन सी ताजमहल, ऑप्शन डी शक्ति स्थल। तो पत्थर पर जमा हुआ आंसू ताजमहल को कहा जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तारीख ए उल्फी क्या है? ऑप्शन ए कश्मीर का इतिहास, ऑप्शन बी ईरान का इतिहास, ऑप्शन सी मुगल का इतिहास, ऑप्शन डी दुनिया का इतिहास। तारीख ए उल्फी दुनिया का इतिहास है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलाई दरवाज़ा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी जमाल खाना, ऑप्शन सी सीरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अलाई दरवाज़ा का मुख्य द्वार कुतुब मीनार का है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मठ की मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद के किले निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए शाहजहाँ, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जागीर। तो इलाहाबाद के किले का निर्माण मुगल काल के शासक अकबर ने करवाया था, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के लाल किला का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन ए किला ए जन्नत, ऑप्शन बी किला ए शाहजहाँ, ऑप्शन सी किला ए हिंद, ऑप्शन डी किला ए मुबारक। तो दिल्ली के लाल किले का प्रारंभिक नाम किला ए मुबारक था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद शान ए सिकरी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए फतेहपुर सिकरी की मस्जिद, ऑप्शन बी दिल्ली की जामा मस्जिद, ऑप्शन सी आगरा की जामा मस्जिद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फतेहपुर सिकरी की मस्जिद शान ए सिकरी के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी वीणा, ऑप्शन डी सारंगी।
तो सितार भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक इस्लामी अलंकरण विधान नहीं है? ऑप्शन ए ज्यामिति आकृतियाँ, ऑप्शन बी बेल बूटेदार रूपांकन, ऑप्शन सी घंटाकृति, ऑप्शन डी सुलेख के द्वार अलंकरण। तो घंटाकृति पारंपरिक इस्लामी अलंकरण विधान नहीं है, सी इज द राइट आंसर। यह थे मुगल काल के इमारतों से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।